ये मेरी एक छोटी सी किताब है, बिखरता समाज, कोलंबियनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के समाज के ऊपर छोटी छोटी तहरीरें हैं मेरी, और मेरा ये कहना है इस किताब में कि रियासतें बिखर जाएं तो बन जाती हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बिखरी टूटी बन गई, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर बिखरी टूटी, उसके अंदर से एक नई तुर्क रियासत बन गई, सोवियत यूनियन टूटा बन गया, और उसके बाद हम देखते हैं यूगोस्लाविया टूटा और बन गया, उसके अंदर से नई रियासतें बन गई, लेकिन समाज कायम रहे। पाकिस्तानी समाज कहाँ खड़ा है? हम अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत की रिट नहीं रही। मैं ये कहता हूँ कि रियासत फिर भी कहीं अपनी ताकत रखती है। अगर टूटा है तो समाज टूटा है। और इस किताब के मौजूद जो हैं बड़े छोटे छोटे मौजू हैं कि जिस मुल्क में पानी से कार चलाई जाए उस मुल्क में शायरी से रियासत चलाने की कोशिश की जाती है। एक शेर सुनाया और कहा कि हम मुल्क ऐसे चला के दिखा देंगे, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशकर। ये बात खूबसूरत है, क्या रियासतें शेरों से चलाई जाती हैं? और दीगर मौजूद जो हैं इसके अंदर, जैसे चूसन पीपल, कि हम मुमलकत खुदादाद हैं कि दुनिया में ता क्यामत रहने के लिए मुल्क बना। रब्बुल कायनात जो है पूरी दुनिया का रब है, वो पाकिस्तान का रब नहीं है ना पाकिस्तानियों का रब है। इसी तरह इसके अंदर छोटे छोटे गुमशुदा कौम, शिनाख्त का बहरान, हमें ये नहीं पता कि हम इस धरती के लोग हैं कि हम 10,000 मील जो दूसरी तहजीब है उसके लोग हैं। तो ये ऐसे मौजूद हैं, तरक्की के जजीरे हमारे मुल्क में ऐसी एक तरक्की नज़र आती है, मैकडोनल्ड्स हैं, गैर मुल्की रेस्तरान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर गया और एक मिडिल क्लास पैदा हुई है। क्या मिडिल क्लास की जन्म लेना किसी समाज की तरक्की है? पाकिस्तानी समाज कैसे बिखरा है? जैनब का कत्ल एक वाक़या है जो मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ और इंटरनेशनली हाईलाइट हुआ, तब जाके हमें फिक्र हुई। लेकिन हर रोज़ जैनब कत्ल होती है, हर रोज़ जैनब जैसे जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में हम ये कहते हैं करप्शन, इस्तेहसाल की बात नहीं करते। देखें, इस्तेहसाल मेहनत कश को अगर उसकी पूरी उजरत नहीं मिलती, 67% आज भी पॉपुलेशन दहकान और किसान है, अगर उसको पूरी उजरत मजदूर और मेहनत कश को नहीं मिलती तो क्या ये करप्शन नहीं है? हमने आई वॉश, हमारी पूरी सियासत पिछले 4 साल से 2013 से आज तक अगर पाकिस्तान की सियासत और मीडिया को हम फोकस करें तो 4-5 बड़े मौजूद थे। एयान अली, रेहम खां की शादी, रेहम खां की तलाक, और उसके बाद एक पीरनी की शादी की खबरें, और उसके बाद ऐसी 2-4 और ख़वातीन की कहानियाँ। ये पाकिस्तान की सियासत और सहाफत, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बड़े मौजूद थे। पाकिस्तान का मेहनत कश, पाकिस्तान की ख़वातीन, पाकिस्तान के नौजवान बच्चे हमारा मौजू नहीं है। पाकिस्तान का समाज बिखर रहा है, बिखर चुका है। और मैं फिर कहूँगा कि इस किताब में छोटी तहरीरें इस शानदार धरती के बारे में है जहाँ पर दुनिया की एक शानदार तहजीब रही, कई तहजीबें आई। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा फख्र है, लेकिन आज ये समाज, इसके अंदर जो मौजूद हैं बड़े दिलचस्प छोटे छोटे मौजूद हैं। बोलने वाले दानश्वर, हमारे मुल्क में दानश्वरों का एक ऐसा बड़ा तबका है जो सारा दिन बोलते हैं, 8 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक, लिखने वाला तहकीक का उनके पास कुछ नहीं है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये छोटी सी किताब पाकिस्तान के बड़े समाज के बारे में है। हमें समाज बनाना है, और समाज बनते हैं 2 चीज़ों से, तालीम से, इल्म से, फिक्र से, तहकीक से, और दूसरी चीज़ इंसाफ से। इंसाफ अदालत वाला इंसाफ नहीं, समाज के अंदर बरपा किया जाने वाला इंसाफ, लोगों के हकूक, उनकी उजरत, और उनके साथ सोशल जस्टिस की बुनियाद पर जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, ये समाज क्या, ये पाकिस्तान क्या, इसका मुस्तकबिल तारीख से तारीख होता जाएगा। पोटेंशियल है, हमें एक नई फिक्र, नए पाकिस्तान की फिक्र देनी है कि इस समाज को इसकी तहजीब के हवाले से एक जदीद समाज, एक तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता, इंसाफ वाला समाज बनाया जाए। ये छोटी सी किताब मेरे इन्हीं मौजूद के बारे में है, बिखरता समाज, कोलंबियनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान।